एक हफ्ते से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी तमाम एजेंसियां, जैसे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, साथ ही नेशनल हाईवे की 200 से ज्यादा लोगों की टीम जो लगातार 24 घंटे रेस्क्यू में जुटी हुई है, और साथ ही उन 41 मजदूरों की भी जो 12 दिनों से टनल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। ताजा अपडेट की बात करें तो सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए ड्रिलिंग कर रही अमेरिकी ऑगर मशीन के सामने फिर बाधा आ गई है। 4:30 बजे मशीन से करीब 24 घंटे बाद फिर ड्रिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन फिर ऑगर मशीन के सामने सरिया का पाइप आ गया। श्रमिकों को निकालने के अभियान में कई बाधाएं आ रही हैं। बृहस्पतिवार देर रात सुरंग के मलबे के बीच से पाइप डालने के काम को रोकना पड़ा, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन टिकी हुई है उसमें दरारें दिखने के बाद ड्रिलिंग रोक दी गई थी। ड्रिलिंग का काम शुक्रवार सुबह भी शुरू नहीं हो पाया। खबरों के मुताबिक बचाव स्थल पर मौजूद मनोचिकित्सक ने बताया कि हम उन्हें, यानी कि जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनका तनाव दूर करने में मदद के लिए लूडो, शतरंज और ताश उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। अभियान में देरी हो रही है और ऐसा लगता है कि कुछ समय और लगेगा। उन्होंने कहा कि सभी 41 श्रमिक ठीक हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य और मानसिक रूप से ठीक रहने की जरूरत है। उन्होंने हमें बताया कि वो चोर पुलिस खेलते हैं, तनाव दूर करने के लिए रोजाना योग और व्यायाम करते हैं। चिकित्सकों की एक टीम प्रतिदिन श्रमिकों से बात करती है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी लेती है। बुधवार देर रात ऑगर मशीन के रास्ते में आए लोहे के गडर को काटने में 6 घंटे की देरी के बाद दिन में बचाव अभियान फिर से शुरू होने के कुछ घंटों बाद हालिया बाधा आई। उत्तराखंड के 4 धाम मार्ग में निर्माणधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद 12 नवंबर को कई एजेंसियों द्वारा बचाव अभियान शुरू होने के बाद से ही ये तीसरी बार है कि जब ड्रिलिंग का कार्य फिर से रोक दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टनल में चल रहे राहत और बचाव कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ये अत्यंत चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रेस्क्यू अभियान है। टनल में फंसे 41 लोगों की बहुमूल्य जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी हम सब पर है। अभियान में जुटे लोगों की पूरी दक्षता, क्षमता, तत्परता और सावधानी के साथ मिशन को कामयाब बनाने में दिन रात जुटे रहना होगा। इस काम के लिए संसाधनों की कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषय पर खबर उपलब्ध है। और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।